जिले की अहिरोली पुलिस एवं स्वाट टीम को एक संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नावा बाजार के निकट अंतर जनपदीय चोरों की मौजूदगी को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की तथा 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 11 लाख रुपए का माल व नकदी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से 6,04,000 की नकदी तथा लगभग 5 लाख रुपए का सामान एवं तमंचा कारतूस तथा लोहे का रोड बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए चोरों का लंबा आपराधिक इतिहास है तथा इनके विरुद्ध जिले के भीटी अकबरपुर व अहिरोली थानों में मुकदमे दर्ज हैं। ये जनपद अम्बेडकर नगर की स्वाट टीम के द्वारा एक अंतर जनपदीय शातिर चोरों का गैंग पकड़ा गया है और इस गैंग के 3 सदस्य पकड़े गए हैं, जिसमें से एक जो अभियुक्त है कांता। ये तीनों अभियुक्त बहराइच और खीरी के रहने वाले हैं और इन्होंने आसपास के जनपदों में कई घटनाएं की हैं। इस जनपद की भी करीब 6 घटनाएं इन्होंने कबूली हैं, जिसमें एक उल्लेखनीय घटना अहरौली की है, जिसमें चोरी के समय, नकबदेनी के समय इन्होंने एक व्यक्ति की सर पे डंडा मार करके उसको घायल कर दिया था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो मेन अभियुक्त है कांता, उसके ऊपर डकैती और नकबजनी के कुल 14 मुकदमे विभिन्न जनपदों में, विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत हैं और इनके द्वारा यहाँ की 6 घटनाओं का इकबाल किया गया है, जो भीटी, अहरौली और कोतवाली की घटनाएं हैं। इसके अलावा भी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा आसपास के जनपदों में कई घटनाएं की गई हैं, जिनके बारे में पता किया जा रहा है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कैश करीब 6 लाख से ज़्यादा रुपया बरामद हुआ है। इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, जिनकी वैल्यू लगभग 5 लाख रुपए की है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, इसके अलावा एक तमंचा और 15 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कारतूसों के बारे में पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने कहां से चोरी किए और इनका शेष अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है। इनके 2 साथी भी फरार हैं, जिनके लिए टीमें बना दी गई हैं, उनको भी बहुत शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो टीम है उसके इस गुड वर्क के लिए 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है।